क्या आप भी मेरी तरह सोचते हैं कि अमेज़न पे के बैलेंस मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए? भाई साहब कठिन है थोड़ा सा, सुनकर अटपटा भी लग रहा होगा, लेकिन सच है दोस्तों, यूनिवर्सल टेक्नीशियन है तो आपको आपके लिए मैं पॉसिबल भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ यूनिवर्सल टेक्नीशियन और स्वागत है आप सभी का इस एपिसोड में, जिसमें मैं आपको बताने जाऊंगा कि अमेज़न पे का बैलेंस आप अपने बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। ये मेरा बैकग्राउंड है, पता नहीं आपको कैसा लगता है। चलिए फिर भी मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा मेरे अमेज़न पे में कितना बैलेंस है, ठीक है? लेट्स सी। तो मेरे अमेज़न पे में है 244.90 रुपीस बैलेंस। अब मैं इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक बनता है मेरे लिए, ठीक है? इसे हम हटा देते हैं, मैंने पहले से खोल के रखा था कुछ ट्रायल्स करने के लिए, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें टाइप करना है कॉम्पेरीफाई। ये देखिए दोस्तों मेरा आ चुका है कॉम्पेरीफाई, हमने सर्च किया। ऑफिशियल साइट में जाना है दोस्तों, ऐप से नहीं करेंगे हम। और इसे हम स्लाइड करेंगे लेफ्ट 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 लेफ्ट, यहाँ पर आ गया ये डिजिटल गोल्ड वाला, बाय स्टोर एंड सेल गोल्ड ऑनलाइन। यहाँ पर हम बाय नाउ करते हैं। बाय नाउ करने के बाद हम अपने डिटेल्स यहाँ पर डाल देंगे, सेव गोल्ड मोबाइल नंबर। और यहाँ पर जैसे कि मैं बताना चाहूँगा 244 मेरे पास बैलेंस था, तो हम यहाँ पर 240 ही डालेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर 2 रुपये टेक्नोलॉजी चार्ज काटता है, इसलिए दोस्तों, ठीक है? चलिए प्रोसीड करते हैं हम। अब आप यहाँ, अब मुझे यहाँ पर मुझे मिल गया है, ये चाहूँ तो मैं पेपल से कर लूँ, ई पे लेटर, अमेज़ॉन पे, पेटीएम, फ़ोनपे, भीम यू पी आई, गूगल पे, फलाना ढिकाना। दोस्तों मेरा मकसद था कि अमेज़ॉन पे के बैलेंस को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, वो मैं करने जा रहा हूँ और ये प्रोसीड कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? अब मैं अमेज़ॉन अकाउंट, उस अकाउंट को लॉगिन करूँगा जिसमें मेरा अमेज़ॉन पे बैलेंस था 244। और लेट मी पासवर्ड डालने देता हूँ। ओके दोस्तों, अब लॉगिन हो जाए। सी दोस्तों देखिए, पासवर्ड को नेवर यूज, 242 ऑफ 244.90 अमेज़न पे बैलेंस। यहाँ से पे करना है भाई और कुछ नहीं है, कितना ज्ञान दूँ तुम्हें, तुम खुद ही होशियार हो यार इतने, ठीक है? और ओ टी पी एस टेक्स्ट मैसेज ऑन कॉल, तो टेक्स्ट मैसेज कर लेते हैं भाई, सेंड ओ टी पी। अभी ओ टी पी आएगा मुझे और मैं ओ टी पी डालूँगा और ये दन दना दन दन काम हो जाएगा। ओ ओ ओ ओ टी पी आ चुका है, लेट मी सी, ओ टी पी इज 777155 कंटिन्यू। ले भाई ले, अमेज़न पे प्रोसेसिंग, अब भाई पेमेंट हो जाएगी यार, ठीक है? लो भाई ये तो हो गया है, ठीक है? Your payment was successful. अब हम दोस्तों करेंगे क्या, इसी को जो हमने बाय किया इसको सेल कर देंगे। सेल करेंगे तो हमसे अकाउंट नंबर मांगेगा, तो इसी अकाउंट में चला जाएगा। वेट दोस्तों करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताना चाहूँगा, अगर आपने गोल्ड खरीद लिया है तो विद इन 24 आवर्स आप नहीं सेल कर सकते, यानी कि 24 घंटे के बाद ही आप इसे सेल कर पाएंगे। तो यार ज़्यादा नहीं, एक दिन का वेट करना है इतना तो कर ही सकते हैं, या फिर अमेज़न का पैसा भी ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए मूव करते हैं, बताता हूँ कैसे सेल करना है आपको डिटेल में। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पर आपको कॉम्पेरीफाई लिखना है, ऑफिशियल साइट में जाना है, ऐप से नहीं करना, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर हम इसे स्लाइड करेंगे, एक बार और स्लाइड करेंगे, अरे यार ये क्या रहा है, एक बार और स्लाइड करेंगे और यहाँ पर हाँ ये बाय ऑनलाइन सेल गोल्ड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम अपने सारे डिटेल्स भरेंगे। ओके वेट, तो दोस्तों हमें यहाँ पर गोल्ड ऑर्डर वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है? गोल्ड ऑर्डर वाले सेक्शन में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे सेल डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर अब हम अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे। ओके बताना चाहूँगा दोस्तों, ये पेटीएम पेमेंट बैंक ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम अपना दूसरे बैंक का डिटेल मैंने डाला, मैंने अपने पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पर डिटेल भर दिया है,
डिटेल भरना है, सब कुछ सही से सही डिटेल भरना है। यहाँ पर दो बार अकाउंट नंबर मांगेगा और नीचे नोट का ऑप्शन है कि 3 दिन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके बैंक में पैसे, तो मैं यहाँ पर सेल गोल्ड कर दूंगा। जैसे कि मैंने क्लिक कर ही दिया और ये गोल्ड मेरा सेल हो चुका है। तो 3 दिन के अंदर दोस्तों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे सेफली आ जाएंगे। तो वीडियो लाइक करना दोस्तों, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगी। मैं हूँ यूनिवर्सल टेक्नीशियन, अगली बार फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग जो भी है यार, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बाय बाय।